हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सारू रसोई में। आज हम बनाएंगे मैंगो कुल्फी। तो देखने में लग रही है ना एकदम यमी और टेस्टी, और खाने में भी एकदम सॉफ्ट और यमी बनी है। तो मैं आज आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करूंगी कुल्फी का, कि आप कुल्फी को कैसे सॉफ्ट जमाएं। कोई भी कुल्फी हो, जब भी आप जमाते होंगे तो वो एकदम पत्थर जैसी जम जाती होगी, लेकिन आप नहीं, इतनी सॉफ्ट जमेगी ना कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध को गर्म करने के बाद, जब ये 600 ग्राम रह गया था, यानी कि जब मैंने इसको गाढ़ा करने के लिए रखा, जब 600 ग्राम रह गया था, तो मैंने एक आधे कप में कच्चा दूध लेकर उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर मिक्स करके इसमें ऐड कर दिया था, और इसमें चीनी डाल दिया था मैंने। 3 से 4 चम्मच डाले थे मैंने इसमें, आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिए। और इसको 10 मिनट के लिए और पका लिया था, यानी कि जब ये आधा रह गया था, तो उसके बाद मैंने इसको उतार कर ठंडा कर लिया है दूध को। अब इसको हम मिक्सर जार में डालेंगे, और जिसमें मोटी मलाई है जो आ जाती है गाढ़ा करने के बाद, वो एकदम से इसमें स्मूथ हो जाएगी और एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा हमारे पास, और ये एकदम मावा कुल्फी जैसा आपको टेस्ट आएगा। तो ये अब मिक्स हो गया है। अब इसमें हम एक आम डाल देंगे, मीडियम टाइप का आम है ये, और आम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका आम मीठा कम है तो आप इसमें इस टाइम थोड़ी सी चीनी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इतना आम तो मीठा होता ही है। अब इसको हम छान लेंगे, थोड़े बहुत आम के रेशे जो होते हैं वो होते हैं मैंगो के अंदर, तो वो निकल जाएंगे इस टाइम। तो अब मैं इसको डायरेक्ट इसमें जमाऊंगी, आप चाहें तो मोल्ड में भी जमा सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी। तो मैं इसमें निकाल रही हूँ इसको, और इस टाइम मैंने कलर ऐड नहीं किया था, मुझे ध्यान नहीं रहा। आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लें, येलो वाला, ऑरेंज वाला। तो यहाँ पर मैंने छानने के बाद अब ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं जो खाते नहीं हैं, उनको अट्रैक्टिव कलर भी चाहिए होता है। तो आप थोड़ा सा कलर डालेंगे तो आपके बच्चों को देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में जमा दें। जमाने के बाद फिर एक बार इसको इसी तरीके से मिक्स कर दें, क्योंकि हल्का हल्का उस टाइम जम जाएगा, यानी कि 40% करीब ही आपकी आइसक्रीम है जो जम जाएगी। कोई बात नहीं, उस टाइम आप इसको ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स कर दें चम्मच से, और फिर इसको 5 से 6 घंटे के लिए जमने के लिए रख दें। फिर उसके बाद जो आपकी आइसक्रीम जमेगी वो एकदम सॉफ्ट वाली जमेगी, और एकदम आप चाहे चम्मच से उसको निकाल लीजिए, चाहे उसको नाइफ से निकालिए, और बहुत ही आसानी से वो निकल जाएगी। आप मोल्ड में जमाएंगे तो भी आसानी से निकल जाएगी। तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने कलर को है जो अच्छे से मिक्स कर रखा है। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, फिर दोबारा मिक्स करेंगे, और फिर उसको एक बार और फिर मिक्स करने के बाद 5 से 6 घंटे बाद हम इसको निकालेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ 5 से 6 घंटे बाद ये किस तरह की दिखेगी। देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इसको मिक्स करके दोबारा रखा था, तो ये इस तरह से हो गई थी, लेकिन अब ये बनी बहुत सॉफ्ट है। मैं आपको चम्मच डाल के दिखाती हूँ, इसमें बहुत ही आसानी से चम्मच है जो अंदर चली जाएगी। ये देखिए, बहुत सॉफ्ट आइसक्रीम जमी है। आप इसको जैसे मर्जी काट कर निकालिए और सर्व कीजिए, अपने बच्चों को दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और खाने में बहुत टेस्टी है, हेल्दी है, आप अपने बच्चों को घर पर ही बनाकर खिलाएं। आप जैसा भी बनाती हैं, आप अपने बच्चों को घर का ही दें, फैमिली को, क्योंकि अभी बाहर का खाना ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।